फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेरे मोबाइल का सिंपल सा क्लॉक देख सकते हैं, लेकिन ये कोई क्लॉक नहीं है। मैं इस क्लॉक के सेंटर बटन को जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं 3:30 का जो है टाइम सेट करूंगा, और यहाँ पर फिर से इस सेंटर बटन को जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे प्राइवेट फोटोज, वीडियोस और फोल्डर जो है ओपन होकर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह का लॉक जो है कैसे आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं, ये जानने के लिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है क्लॉक द सीक्रेट वॉल्ट। और आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे तो आप जैसे ही फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और नीचे लिखा है सेट डिजायर्ड टाइम पासवर्ड एंड प्रेस सेंटर बटन ऑफ क्लॉक। तो आपको जो है यहाँ पर सेंटर बटन जो है यहाँ पर क्लिक करना है और अपना मनचाहा टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर अपना मनचाहा टाइम यानी कि 3:30 यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर से जो है सेंटर बटन को क्लिक करना है और इस टाइम को जो है एज अ पासवर्ड कन्फर्म करने के लिए आपको फिर से वो जो है टाइम यहाँ पर डालना है और फिर से सेंटर बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड रिकवरी के लिए अपना जो है जीमेल एड्रेस डालना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा है कि अपना पासवर्ड रिकवरी करने के लिए आपको जो है 10:10 का टाइम सेट करना होगा। और यहाँ पर नीचे फिर फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है वॉल्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, न्यू फोल्डर, इमेजेस, ऑडियोस, वीडियोस। तो मैं जो है यहाँ पर अभी एज अ डेमो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट फोटोज पे क्लिक करके एक फ़ोटो जो है यहाँ पर वॉल्ट में ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैं अपनी गैलरी में से जो है एक इमेज को सिलेक्ट करके इसे इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं पिक्चर्स वाले फोल्डर में इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो है फोटो यहाँ पर वॉल्ट में मूव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब जो है इस वॉल्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पर हमें क्लॉक पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लॉक पे जो है आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल में जो टाइम चल रहा है वही हमारे क्लॉक में दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटर वाले बटन पर क्लिक करना है और फिर जो है ये 00 हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा जो हमने टाइम डाला था एज अ पासवर्ड वो यहाँ पर हम डालेंगे और फिर से सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वॉल्ट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरा भी फीचर दिया गया है एप्लीकेशन का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। तो यहाँ से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लोगो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर परमिशन मांगेगा एप्स विद यूजेज एसेस का। तो आपको जो है वॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है कि योर ऐप लॉक पासवर्ड इज 03 एंड 30, यानी कि हमने जो हमारा टाइम सेट किया था 3:30, ये वही है, इसे जो है एज अ नंबर एक यहाँ पर दिखाया गया है 03 एंड 30, यानी कि 3:30। तो आपका पासवर्ड यहाँ पर रहेगा 03 एंड 30 और इसे यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप को लॉक कर रहा हूँ और फिर से एक परमिशन मांगेगा यहाँ पर जो है ड्रो ओवर अदर्स ऐप का, उसे भी आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके बाद जो है हम अपने व्हाट्सएप में जाकर जो है चेक करेंगे। तो हम यहाँ से अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है हम अपना पासवर्ड यानी कि 03 एंड 30, यानी कि 3:30 यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप ये वाला स्पेशल जो है क्लॉक वाला लॉक जो है आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। अगर कोई आपके जो है फ़ोन में इस क्लॉक को ओपन करेगा तो उसे लगेगा कि ये जो है आपके मोबाइल का सिंपल वाला क्लॉक है और जो है वो आपके जो है प्राइवेट वीडियोस और फोटो जो है नहीं खोल पाएगा। इसे खोलने के लिए जो है आपने जो है जो टाइम एज अ पासवर्ड जो आपने दिया था उसे आपको यहाँ पर डालना होगा, तभी जो है आपका वॉल्ट यहाँ पर ओपन होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे नए दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम कुछ नया सिखाएं तो आप मिस ना कर पाएं।